हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गर्ली कॉर्नर। तो चलिए, हम आ गए हैं गूगल पर। वहाँ पे टाइप कर देंगे हम अमेज़ॉन, और अमेज़ॉन से हम मंगाने वाले हैं वॉल स्टिकर अफ्रीकन वुमेन वाली। ये देखिए, जो अमेज़ॉन चॉइस लिखा है वो वाला हम मंगा लेंगे। इसका जो प्राइस है 129 रुपीज़ का है। इसे आप तरह तरह से लगा सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी अपने वॉल पर दिखा सकते हैं। तो हमने इसे ओपन कर लिया है, कुछ इस तरह से दिखाई देता है ये। और इसे हम जब घर पे मंगाएंगे तो किस तरह से दिखाई देगा, क्या ये सच में वैसा ही है जो ये दिख रहा है, ये सब हम जानेंगे। मेरा पर्पस ये है कि मैंने इसे मंगा लिया है, आप वीडियो देखिए क्या ये आपको एक्चुअल में वैसा लगता है जैसा ये है। अगर आप भी इसे मंगाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। तो हमने बाय नाउ पे क्लिक कर दिया, और देखिए ये सामान हमारे घर पे आ चुका है। तो इस तरह की पैकेजिंग में आया हुआ है। तो चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। क्या है तो ये देखिए, इस तरह की पैकेजिंग में आई हुई है। अंदर से थोड़ी फोल्ड हो चुकी है, जिसके कारण हमारा स्टिकर भी थोड़ा फोल्ड हो सकता है। इसे कैसे ओपन करना है, हमने बहुत देर तक सोचा, फाइनली हमने इसको फाड़ दिया, जिसके कारण ये भी फट सकता था। अमेज़ॉन में अभी ये 129 रुपीज़ का है, लेकिन जब ऑफर्स चलते रहते हैं तो ये आपको 99 रुपीज़ में भी अवेलेबल हो जाते हैं। इस तरह के वॉल स्टिकर्स आप अपने फ्रेंड्स फैमिली को बर्थडे में एनिवर्सरीज में गिफ्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन। इस स्टिकर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से क्लिक करके आप इसे खरीद सकते हैं। तो इस तरह से ये आया है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये एक पूरा एक बेकिंग पेपर है, उसके ऊपर ये जो कट पीस है लगे हुए हैं स्टिकर, उसे हमें निकाल कर दीवार के ऊपर लगाना है। इसका जो कटआउट है ये यहाँ से नज़र आ रहा है, यहाँ से हमें इसे पुल करना है। इस तरह के आपको डेमोंस्ट्रेशन के लिए एक स्टिकर मिल जाएगा, जिसे देख के आप समझ सकते हैं कि इसे किस तरह लगाना है। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने स्विच बोर्ड के ऊपर इसे लगा दिया है। स्टिकर को बेकिंग पेपर से निकालने से पहले आप ये सोच लीजिए कि आपको उसे कहाँ लगाना है, नहीं तो एक बार निकालने के बाद अगर वो वॉल में चिपक गया और आप उसे फिर से रीअरेंज करना चाहते हैं तो जो आपकी वॉल की जो पेंटिंग है वो उसके साथ उखड़ आएगी। तो चलिए हम अपना पहला स्टिकर उठा लेते हैं। जब हमें ये मिला था तो उसकी जो रैपिंग थी वो थोड़ी फोल्ड हो चुकी थी, जिसके कारण इसमें भी फोल्ड वाला इफेक्ट आ गया है, देखिए, जिसके कारण ये थोड़ा गंदा लग रहा है। और दूर से ऐसे लग रहा है कि हमने वॉल पे कुछ प्लास्टिक सा चिपकाया हुआ है। तो पहला वाला जो वॉल स्टिकर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो दूर से प्लास्टिक सा चमक रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। और जो सेकंड स्टिकर है वो दिखने में काफ़ी ब्यूटीफुल है, कलरफुल है और एलिगेंट लग रहा है, और ऐसे लगेगा कि ये वॉल से चिपका हुआ है, हमने वॉल पे पेंटिंग की है। चिपकाते हुए हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बीच में एयर बबल्स ना आए, तो इसे हमें ध्यान से चिपकाना होता है। क्योंकि एक बार चिपक गया, अगर आप उसे फिर से रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे तो इसके जो पेंटिंग्स है वो निकल आएंगे। तो देखिए, सेकेंड वाला काफ़ी अच्छे से चिपक चुका है। अब हम थर्ड को लगा लेते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पे दिखा सकते हैं, आप इसे चारों को एक ही जगह लगा सकते हैं या अलग अलग लगा सकते हैं। देखिए, स्टिकर जो है वो दिखने में काफ़ी बड़े हैं, लेकिन जब ये वॉल पे चले जाते हैं तो हम दूर से देखते हैं तो ये थोड़े छोटे लगते हैं। आप इन स्टिकर्स को कहीं भी लगा सकते हैं, कबर्ड में, फ्रिज में, वॉशिंग मशीन में या ग्लास में, डेकोरेटिव आइटम्स में, कहीं भी लगा सकते हैं इसे। सिर्फ एक स्टिकर को छोड़कर जितने तीन स्टिकर्स हैं वो हमें बहुत अच्छे लगे। इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं कि जो वॉल क्लॉक है उसके नीचे इसे लगा सकते हैं, तो ऐसे लगेगा कि ये जो अफ्रीकन वुमेन है उसने वॉल क्लॉक को उठाया हुआ है, इसके ऊपर वॉल क्लॉक रख सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन हमारा वॉल क्लॉक जस्ट डोर के ऊपर लगा था तो ये करना मुश्किल था, तो हमने यहाँ पर लगा दिया। इसको आप स्विच बोर्ड के नीचे लगा सकते हैं, तो ऐसे लगेगा इसने एक हाथ से स्विच बोर्ड उठाया हुआ है। फोटो फ्रेम अगर आपके वॉल में लगा है तो वहां पर लगा सकते हैं, आपके फोटो को ये पॉइंट आउट करती हुई अच्छी लगेगी।
तो इस तरह आप इसे अलग अलग तरह से लगा सकते हैं, सीढ़ियों के ऊपर नीचे इसे लगा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियो से थोड़ी सी भी चीज़ जानने को मिलती है तो हमारे वीडियो को ज़रूर से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।